अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मटका कुल्फी, बिल्कुल बाजार जैसी क्रीमी और वो भी सिर्फ दूध से। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो मटका कुल्फी बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में हमने 1 लीटर दूध डाला है। ये दूध आप अपने घर में जो भी आता हो वो ले सकते हैं, या आप पैकेट का दूध भी ले सकते हैं। इसमें बॉयल आ चुका है और इसे हम चलाएंगे, और ये जो मलाई है वो भी इसी में मिक्स करते जाएंगे। किनारों पे मलाई लगी है वो भी इसी में मिक्स कर देंगे। इसी से हमारा दूध एकदम रबड़ी जैसा हो जाएगा। तो लगातार चलाते हुए दूध को हम बॉयल करेंगे यानी पकाएंगे। दूध हमारा 1/3 जब तक नहीं हो जाता है इतना ही इसे गाढ़ा करेंगे। इधर हम थोड़े से दूध में केसर के धागे डालकर रख देंगे, और ये हम बाद में डालेंगे जब दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। इससे हमारे कुल्फी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और कलर भी चेंज होगा। और देखिए ये दूध हमारा गाढ़ा होने लगा है थोड़ा सा, और इसकी साइड से जो मलाई है इसे ज़रूर बीच में मिलाइएगा। किनारों से साफ करें और इसे बीच में मिक्स करते जाएं। इसी से ही हमारी कुल्फी एकदम क्रीमी बनेगी, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो यहाँ हमारा दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। इसमें हम डाल देंगे 1/2 कटोरी चीनी, या आप अपने हिसाब से डालें जितना मीठा पसंद करते हो। यहाँ मैंने चीनी थोड़ी सी ज़्यादा डाली है क्योंकि ठंडा होने के बाद मीठा कम हो जाता है। तो इसे लगातार चलाते हुए बनाएंगे, और जो भी मलाई किनारे पे आएगी वो सब मिक्स करते जाएंगे। आइसक्रीम बनाने के लिए कच्चा दूध लीजिएगा, वरना आपकी आइसक्रीम में बर्फ़ जम जाएगा, वो अच्छी नहीं जमेगी। दूध हमारा गाढ़ा हो गया है, आधा रह गया है। अब हम डाल देंगे काजू बादाम और पिस्ते बारीक काट कर। आप चाहें तो इसका पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसे हम पकाएंगे ताकि हमारे दूध के साथ पिस्ते बादाम काजू गल जाएंगे और इसका अच्छा सा फ्लेवर भी मिलेगा हमारी आइसक्रीम में। और इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे, और किनारों की जो मलाई है वो सब इसमें मिक्स कर देंगे। और अब हम डाल देंगे इसमें जो केसर मिलाकर दूध रखा था उसे भी डाल देंगे। तो केसर डालने से कुल्फी का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा, और इसका कुल्फी का कलर भी बहुत अच्छा होगा। किनारों की मलाई है वो भी इसमें मिला देंगे, मिक्स कर देंगे। और दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है, मैं आपको चम्मच से दिखाती हूँ। एकदम खूब अच्छा गाढ़ा हो गया है, बिल्कुल रबड़ी जैसा हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे हरी इलायची का पाउडर। इससे कुल्फी में बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आएगी। और इसे मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा और पकाएंगे, और किनारों की जो मलाई है सब बीच में मिक्स करते जाएंगे। इससे ही हमारा दूध एकदम रबड़ी जैसा हो जाएगा। दूध आप देख सकते हैं कि हमारा गाढ़ा हो गया। हम गैस बंद कर देते हैं, और जो इसमें रबड़ी के मलाई के जो पीसे हैं उसे एक ब्लेंडर से मैश कर देंगे ताकि एकदम स्मूथ हो जाए, और इसे हम ठंडा कर लेंगे। दूध यहाँ ठंडा हो चुका है, मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। एकदम परफेक्ट है कुल्फी बनने के लिए। अगर आप ज़्यादा गाढ़ा कर लेंगी तो आपकी कुल्फी अच्छे से जमेगी नहीं, और अगर थोड़ा पतला रखेंगी तो उसमें बर्फ जम जाएगी। तो ये बिल्कुल दूध कुल्फी के लिए तैयार हो चुका है। चलिए इसे जमाते हैं। मैंने बाजार से मटका कुल्फी मंगवाई थी, तो उसके मटके उठाकर रख दिए थे। मैं इसमें ही मटका कुल्फी जमाऊंगी। आप कांच के गिलास में भी जमा सकते हैं, ये पेपर वाले कॉफ़ी के मग होते हैं उसमें भी जमा सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी जमती है और बहुत ही आसानी से निकल जाती है। तो मैं आपको 2 मटका कुल्फी और 2 स्टिक वाली कुल्फी जमा कर दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम मटके में कुल्फी का मिश्रण डाल देंगे। इस तरह आप घर पर कुल्फी बनाएंगी तो कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि आपने ये कुल्फी घर पर बनाई है, और वो भी सिर्फ दूध से। आप बाजार से लाना तो बिल्कुल भूल जाएंगी, क्योंकि ये आपने खुद बनाई है, ये एकदम प्योर है, और बच्चे खाकर तो इसे एकदम खुश हो जाएंगे। तो हम दूसरे वाले इसे मग में भी डाल देंगे, कॉफी वाले मग में। और ये मैंने मटके तैयार कर लिए हैं, और 2 स्टिक वाली मग भी तैयार कर लिए हैं, और ऊपर से हम इसके बारीक कटे हुए बादाम डाल देंगे, थोड़े से हम पिस्ते डाल देंगे ऊपर से, और थोड़े से केसर के धागे डाल देंगे। इससे हमारी कुल्फी की गार्निशिंग हो जाएगी और देखने में बहुत ही ज़्यादा शानदार लगेगी। मैं आपको इसे पास से दिखाती हूँ। देखिए कितनी ज़्यादा एकदम क्रीमी, एकदम स्मूथ हमारी कुल्फी बनी है।
अब इसके हम ढक्कन लगा देंगे। मेरे पास इसके ढक्कन थे तो मैं ढक्कन लगा लेती हूँ, आपके पास नहीं हो तो आप वॉलपेपर लगा दीजिए। अगर आपके पास मिट्टी के मटके या मिट्टी का प्याला हो तो उसमें भी जमा सकती हैं, उससे तो बहुत ही अच्छी आइसक्रीम जमती है, बहुत ही सोंधी सोंधी आती है। मग पर हम फॉइल पेपर लगा देंगे और इस पर रबर बैंड चढ़ा देंगे। अगर फॉइल पेपर ना हो आपके पास तो आप प्लास्टिक की शीट है उसे भी लगा सकते हैं। इसी तरह हम दूसरे मग पर भी फॉइल पेपर लगा देंगे और रबर बैंड चढ़ा देंगे और बीच में छोटा सा कट लगा देंगे। और आइसक्रीम की जो स्टिक आती है ये बाजार में बहुत आसानी से मिल जाती है, सेंटर में इसे लगा देंगे। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि मैंने दो मटका कुल्फी और दो स्टिक वाली कुल्फी बनकर तैयार कर ली है। तो चलिए चलते हैं इसे जमाने के लिए। तो इसे ले जाते हैं फ्रिज में, फ्रिज खोलते हैं और इसे रखेंगे हम फ्रीजर में। फ्रीजर का टेम्परेचर जो है हम हाई कर देंगे, इसे ओवरनाइट के लिए रख दें या 7-8 घंटे के लिए रख दें, यह आपके फ्रिज के टेम्परेचर के ऊपर है। 8 घंटे बाद मैंने कुल्फी को बाहर निकाल लिया है, मटके पर खूब सारा बर्फ जमा हुआ है। मैंने स्टिक वाली और मटका कुल्फी चारों निकाल ली है, अब इन्हें खोलकर हम आपको दिखाते हैं। तो पहले हम स्टिक वाली खोलेंगे, इसका रबर बैंड निकाल देंगे और फॉइल पेपर भी इसका निकाल देंगे। ये पेपर वाले कॉफी मग हैं तो ये बड़े संभाल के निकालेंगे और ये बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। तो एक प्याले में पानी लेंगे और बस जरा सा ही घुमाएंगे तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। तो हल्के हाथों से स्टिक पकड़कर इसे निकाल लेंगे। वाओ, क्या मलाईदार हमारी चिकनी चिकनी कुल्फी बनी है। इसी तरह हम दूसरी भी निकाल लेंगे। अब हम आपको मटका कुल्फी खोलकर दिखाते हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया हमारी मटका कुल्फी बनी है, मैं आपको इसे चम्मच से भी दिखाती हूँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मज़ेदार कुल्फी बनी है, आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बच्चे तो खाकर एकदम खुश हो जाएंगे। बाजार की आइसक्रीम इसके आगे फीकी है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक